लखीमपुर खीरी में दोनों सगी बहनों का हुआ अंतिम संस्कार। सरकारी नौकरी, आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। कल दोनों बहनों के मिले थे शव। मदरसों के सर्वे पर अखिलेश का मजहबी ज्ञान। धार्मिक स्थानों का सर्वे कराना न्यायपूर्ण नहीं, तो आस्था को सर्वे पहुंचा रहा चोट। इंसाफ को बताया सबसे बड़ा धर। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से हुई कब्जा मुक्त। भूमि पर गर्जा जिला प्रशासन का बुलडोजर। कोंडा में पुलिस हिरासत में लाइनमैन की मौत। मामले में बड़ा एक्शन। नवाबगंज थाना अध्यक्ष और एसओजी प्रभारी सस्पेंड। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने मदरसों के सर्वे के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। राजधानी में थोड़ी बारिश ही लखनऊ पानी पानी होता हुआ नजर आया है। पांचगढ़ी मार्च पर मार्ग पर तालाब जैसा नजारा दिखाई दिया। राम की नगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का निर्माण कार्य 60% तक पूरा हुआ। लता मंगेशकर चौक पर लता की आवाज गूंजेगी। प्रयागराज में पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने दिया है बड़ा बयान। कहा है, अयोध्या के बाद काशी मथुरा ही नहीं मक्का को भी कब्जा मुक्त कराएंगे। संभल में लापता नाबालिग दलित लड़की का मामला। पलायन कर रहे परिवार को पुलिस ने रोका। कोंडा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत। संविदा कर्मी की मौत पर भारी बवाल। एसएचओ पर हत्या का मुकदमा दर्ज। कानपुर क्राइम ब्रांच ने लोगों को किया है अलर्ट। चीन के तीन ठगों का टीम की नजर। ठगों पर टीम की नजर। केंद्रीय एजेंसी की जांच में जुट गई है। पिछले दिनों गिरफ्तार 7 छाते ठगों का निकला चीन कनेक्शन। महोबा जिले की रोडवेज बसें कंडम। बारिश में बस का सफर दुखद नजर आया। टपक रही है बस में, यात्री बेहाल हुए हैं। बस समय छाता खोलकर बैठा यात्री।